our next inventor proves that the world's future is in safe hands. Because our next inventor is 8-year-old Manishka, who wants to make sure you never get lost. Manishka, how are you? Fine. आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है आज? Happy. Happy, very happy. Smile तो नहीं कर रहे हो आप? आपके पास कोई ऐसा invention है जिससे हम आपके सारे teeth देख सकते हैं? ये रहा, दिख गया. Perfect. आप कहाँ से हो? आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा. मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ. मनीषा दुबे है, मैं 8 इयर्स की हूँ और मैं 5th ग्रेड में हूँ. मनीषा एज अ किड इज वेरी क्यूरियस अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स. मुझे सबसे ज्यादा पसंद स्विमिंग, बेकिंग, रोबोटिक्स, कोडिंग और मेरा भाई पसंद है. The environment at home is very nice, like with my grandparents. So it's more of a full family. So where like it's not about that, it's just, they are just raised by me. Rather than me, they are more raised by my grandma and उन लोग के अपने नाना नानी से ज़्यादा. मैं रोज़ ही मनीषा को जब स्कूल पिक करने जाती थी तो this was the day when वो एकदम बाहर आके she said, मम्मा मुझे तो एस्ट्रोनॉट बनना है और मुझे तो रोबोटिक्स करना है. तो आई थॉट कि मुझे एक बार इस चीज़ के बारे में पता करना चाहिए और बहुत लोगों से कॉन्टैक्ट किया बट उन्होंने बोला नहीं ये तो बच्चा है 5 साल का अभी लेट हर बी 10 ईयर्स बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं तो आप तो कुछ भी मान जाओगे. तो आई जस्ट गॉट टू नो बाय समवन दैट देर इज लाइक एसपी रोबोटिक्स एंड आई मेट शिवाक्षी मैम. आई आस्क हर लाइक इफ शी कैन टेक मनीषा एज अ स्टूडेंट. देन सीइंग मनीषा एंड हर एक्साइटमेंट टू एंटर द लैब तो शी सेड ठीक है मैं ले लेती हूँ. अब्दुल कलाम के थॉट में इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मींस फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग. चलिए अमेजिंग मनीषा, अभी आप बताइए अपने इन्वेंशन के बारे में. मैं बचपन में एक बार खोई थी जब आई वॉज गोइंग कैलकटा काली मंदिर विद माई नानू नानी और मेरे भाई के साथ. मेरी मम्मा मेरे साथ नहीं थी क्योंकि शी वॉज वर्किंग. मेरे नानू का एक्सीडेंटली हाथ छूट गया क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी. वहाँ पे मुझे याद आया कि मेरी मम्मा ने बोला था कि जब भी आप खो किसी स्ट्रेंजर के पास ना जाना, पुलिस हेल्पलाइन या फिर सिक्योरिटी गार्ड के पास जाना. मेरे पास एक आईडी रहती थी जिसमें मेरा नाम, मेरी मम्मा का नाम, मेरी फैमिली के नंबर रहते थे. तो मैंने वो आईडी दिखाई, उसमें उन्होंने मेरी मम्मा को कॉल किया और फिर मेरी मम्मा ने मेरे नानू नानी को कॉल किया कि आप पुलिस हेल्पलाइन में आ जाओ. तो मेरी इन्वेंशन है सेफ्टी बैंड. ये सेफ्टी बैंड क्या करेगा, जब बच्चे को लगेगा आसपास डेंजर है तो वो SOS बटन ट्रिगर करके बजर बजने लग जाएगा. QR कोड होगा जिसमें आप स्कैन करोगे तो आपको वहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह मिल जाएगा. और रात को अगर बच्चे को डर लगेगा तो LED ऑटोमेटिकली ग्लो हो जाएगी. आप कितने साल की थी तब? 3 3 1/2. और आप 3 इयर्स पे खुद गए थे. That's amazing. और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, आपने ये जो लाइट का ऑप्शन डाला है तो आपको अंधेरे में डर लगता है? मेरे भाई को और मुझको, बट मुझे ज्यादा डर नहीं लगता, मोस्टली मेरे भाई को लगता है. अच्छा, मतलब इनको कम डर लगता है, भाई को ज्यादा डर लगता है. और आपका जो बैंड है क्या उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन रहेगा जैसे QR कोड स्कैन करके उस चाइल्ड का घर का पता, फोन नंबर ये सब, या क्या वो बैंड कोई सिग्नल देगा? मतलब थोड़ा बताएंगे. वो आर्डिनो जो मैं लगाऊंगी तो वो जब बजर बजेगा तो वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या नियरेस्ट हेल्पलाइन के पास होगा. और अगर कोई फोर्सफुली ग्रैब करेगा या उनको कहीं ले जाने की कोशिश करेगा, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है इस वॉच में? तो अगर तो कोई बच्चे को अगर फोर्सफुली ले जाएगा तो आप वो SOS बटन को ऑन ट्रिगर करके बजर बजने लग जाएगा. और ये जो बैंड है ये सारे बच्चों के लिए है या कोई स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए है? नहीं, ये बड़े बच्चे और छोटे बच्चों के लिए, दोनों के लिए. दोनों के लिए.
इसका मेन फर्क ऐप से क्या होगा अगर हम अपने स्मार्ट वॉच में एक ऐप रख लें या फोन में? अगर आप स्कूल्स में देखो तो स्कूल्स में आपको 8th स्टैंडर्ड के बाद ही रिस्ट वॉच पहनने को मिलता है। ओके। तो मैंने सोचा कि अगर हम लोग वॉच नहीं पहन सकते तो हम बैंड तो पहन सकते, तो मैंने ये आइडिया इन्वेंट किया। ओके। अगर मेरा चाइल्ड मिसिंग हो जाए तो मैं कितने रेडियस में मुझे होना चाहिए ताकि मुझे सिग्नल मिल जाए या अलर्ट मिल जाए कि चाइल्ड मिसिंग हो गया है, कहीं गुम गया? आप पास भी रह सकते हैं या फिर दूर भी रह सकते हैं, लेकिन आपके जो ऐप में है आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा कहाँ है। ओके। मुझे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि आपने अपनी मम्मी की तरह सोचना शुरू करा इस एज पे, मतलब कि आपने उनके लिए सोल्यूशन ऑफर कर रहे हो। ओके मनीषका, आप किसके साथ आए हैं आज यहाँ पर? मम्मा एंड माई ब्रदर। आपकी मम्मा को हम स्टेज पे बुलाएं। Let's have Manishka's mom on stage here, and I think we need to give this incredible lady a standing ovation. Welcome, ma'am. What is your name? My name is Shefali. Shefali, you are so incredible. I want to know a little bit about your story. I mean, you're a single mom, you're raising these two kids. Your daughter is super bright. Tell us a little bit about yourself. So like I stay with my parents in Dehradun and I'm a 3D animator and a concept artist. I'm feeling very proud and speechless, but I'm very thankful to all you judges to give a great platform so that, you know, the kids can express actually what they are making. We're hoping to find many, many more such Manishkas across the country, and we yes. hope we continue to, you know, to keep the brightest minds encouraged. Thank you. And let's do another round of applause for you, Manishka. You are incredible. Hi. She is a child prodigy and you are a super, super mom. I will be working at Maker Asylum Lab and my mentor is Vaibhav sir. Hi, I'm Vaibhav Chabra. I'm a mechanical engineer. I started Maker's Asylum about 10 years back with a thought to create a space for people like myself to come together and build things, try out new things, experiment just for the fun of it. So, chalo aap ke project ke bare mein baat kare. Yes, maine socha ki main ek safety band banau. Isme main SOS button, LDR, LED, battery, Arduino aur GPS module. इतना सब कुछ इसमें फिट आ जाएगा? मैं अभी डिजाइन कर रही हूँ। अगर इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, पहला प्रोटोटाइप बनाते हैं सिंपल, उसके बाद देखेंगे क्या होएगा। ओके। तो इसके अंदर ये जीपीएस वगैरह सब कुछ हटा देते हैं, क्योंकि जीपीएस को ऑन करने के लिए बहुत सारी बैटरी लगती है और बार बार उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा अगर हम सिंपल सा सिर्फ दो तीन चीजें हों, एक आपका आर्डुइनो लो पावर ब्लूटूथ और कुछ LED लगा देते हैं, ठीक है, और एक QR कोड उसके ऊपर प्रिंट कर देंगे। अगर आप 10 मीटर्स अपनी मम्मी से दूर हो गए, आपकी मम्मी को पता चल जाएगा उनके फोन पे कि बच्चा दूर हो गया, तो अब मुझे देखना शुरू कर देना चाहिए, राइट? या इसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाएंगे, टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स मेक दिस। आई ट्राइड टू सिंपलीफाई माय बैंड फीचर्स, बट देयर वाज अ चैलेंज that what material should I use for my band. मेरे R&D फेज में बहुत सारे materials देखे, जैसे कि कार्डबोर्ड, मेटल, सिलिकॉन, और उनसे प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश की। लेकिन मुझे उन सब materials के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कंपोनेंट्स विजिबल हो रहे थे जिनको विजिबल नहीं होना था। मुझे देखना था कि जो कंपोनेंट्स है वो किसी को चुभे नहीं और कंफर्टेबल हो। हाँ, हम देख रहे हो इंफ्रारेड GPS मॉड्यूल विद आर्डुइनो नैनो के कनेक्शन। He's been able to meet a lot of other inventors, get new ideas, which is quite nice for her to be able to grow in that space. मटेरियल मिला, मुझे लगा यही वो चीज है जिससे मैं अपना प्रोडक्ट बना सकती हूँ। फिर अब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना प्रोटोटाइप करूंगी डेनिम के क्लॉथ से।
I like that Manishka simplified the product from adding all of those tech. From there to where it is now, it's simplified. I do like the idea of adding that QR code as well, because that makes it easier for other people to contact parents. The form factor also seems quite decent. So those parts are quite exciting. Hello. My product is a safety band. ये दो तरीके से काम होता है, एक ऑटोमेटिकली और मैनुअली। जब बच्चा दूर जाएगा पेरेंट्स से तो अलार्म बजने लग जाएगा, और मैनुअली अगर बच्चे को लगेगा कि वो डेंजर में है, वो एक ब्लैक बटन होगा और वो प्रेस करेगा और रात को एलईडी ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। The safety band, it was really thoughtful. One thing I would like to say about it, it was a bit bulky for the child to wear. The safety band is a good product, but somebody like me, I don't even know how to scan. So maybe they can include some feature for that to make it easily accessible to everybody. Yeah, child name, parent name, mobile number, home address, and email ID. Okay, now for the GPS tracker, I'm going to call somebody from our floor team, because that person will put it on their wrist and then we'll go ahead and see what that does. Location. Connection lost. Today's generation, we need these kind of safety bands where you can have the tracking device. Good for everybody, not only for kids. बच्चों के लिए और elderly people के लिए अच्छा है वो कि एक range में अगर आप रहेंगे तो आपके उनके ऊपर निगाह रख सकते हैं. So you guys have your voting meters in your hand. Go ahead and just vote for your favorite invention for the day. Group has given their judgment. So let's go and reunite with our panel to find out who wins the cash prize. Isn't it so exciting to be back again? And now we're finally going to see the prototypes. Yeah. So let's get them. Yes, let's get them in. Let's meet bring our them two in. Inventors. Thank you. Good job. All right. अच्छा मनिष्का, मैं आपका prototype देखना चाहती हूँ. आप जरा सामने यहाँ पर आके दिखाइएगा. आप हमें दिखा सकते हो बटन्स दबा के? ओह वाह, वेरी कूल. सो कैन वी स्विच ऑफ द लाइट? या देयर वी गो. वेरी कूल. सो साउंड, लाइट एंड लोकेशन एंड पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन. और क्यूआर कोड ये स्कैनेबल है अभी? शुड वी गिव इट अ शॉट? तुम्हें उसका लुक और फील अच्छा लग रहा है? हां, यू डिड. तुमने जो सोचा था तुम करना चाहती हो सब इसमें कर लिया तुमने ना? वेरी नाइस. स्कैन करिए एक बार. देयर वी गो. That's super cool. A number. Wow, that's super fantastic. Cool. That's amazing. That is super cool. Good job. Very, very cool. Well done, Manishka. Very nice, Manishka. Fantastic. Thank you so much. Thank you. Good job. All right. Yeah. ये तो इन्वेंटर चैलेंज है और काफी सारे इन्वेंटर्स यहाँ पर आए हैं. एंड ऑफ कोर्स देयर हैव बीन सो मेनी फेजेस, टेस्टिंग फेज, लैब फेज में ट्रायल्स भी हुए हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर द जूरी. तो जूरी जरूरी है. हां, करेक्ट. एंड देयर इज अ जूरी वोट और हम डिसाइड करेंगे इफ देयर इज समवन हु इज रियली रियली डिजर्विंग दैट हैज टू गो थ्रू. सो वी कीप दैट पावर विद अस. मनिष्का, प्रत्युष, आई थिंक यू बोथ शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्व्स. व्हाट यू हैव अचीव्ड, हाउ फार यू हैव कम. At such a young age, you've come up with such amazing ideas. आपने इस मंच का पूरा इस्तेमाल करके एक fully working prototype बनाया है. You guys have both won in terms of what you have achieved by coming this far on the show. But it's incredible. आप दोनों को यहाँ पर देख के अपने inventions के prototypes के साथ बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है. आई एम श्योर आपके फैमिलीज को भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको यहाँ पर देख के. So congratulations. That's incredible. Great work. चलो आहना, आप भी बता दो, who is your favorite panelist? Actually, I think इन लोग का सबसे favorite person इधर मैं हूँ. That's because so I'm the most non-judgmental person. I'm literally on your side, guys. Yeah, I agree. You're my favorite. Give me the envelope. Oh, like ta-da. No, गया. All right then. All right, ready. Okay, what's happening here? Are you guys ready? Are you ready? I am. Look at this. Oh.
two, one. The winner is Manishka! मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, but I was confident. Challenge अच्छा लगा. I'm very happy that यहाँ से I'm taking a different Manishka with me. Well, there you go. Congratulations. And I'm just very thankful for this new Manishka to me, more expressive. अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि तुम ये 10 लाख रुपीस के साथ करोगे क्या? एक छोटा सा मिनी मेकर स्पेस खोलूंगी. Nice. मेरे एज के बच्चों के लिए. Wow. Wow. That's amazing. Amazing. Mini makers. Right.